हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर शॉप पर। और आज हम बात करते हैं वेबसाइट डिजाइन की कि वेबसाइट डिजाइन कितने रुपया में होता है, आपकी कंपनी के लिए वेबसाइट कितने रुपया में बन सकती है और वेबसाइट डिजाइन करने से आपको क्या फायदा हो सकता है, वेबसाइट डिजाइन करना आपके बिजनेस के लिए जरूरी है भी या नहीं। क्योंकि आज की डेट में हर कोई ऑनलाइन जाना चाहता है, हर कोई अपना वेब प्रेजेंस चाहता है और बिजनेस के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिना वेबसाइट के आप अपना बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सके। आज की डेट में सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग या वेब प्रेजेंस इतना जरूरी हो गया है कि हर कोई इसका यूज कर रहा है। हर कोई एक स्मार्ट डिवाइस या स्मार्टफोन या फिर कहीं ना कहीं वो नेट की दुनिया में कनेक्ट है, हर कोई वहाँ एक दूसरे से इंटरलिंक है। इसलिए एक वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है और किसी भी बिजनेस के लिए अगर उसके पास एक वेबसाइट नहीं है तो वह उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और अगर वह ऑनलाइन हो जाता है तो उसका बिजनेस हो सकता है काफ़ी लोगों को दिखाई दे और वहाँ से उनके पास काफ़ी अच्छी लीड्स आना स्टार्ट हो जाए। और वेबसाइट की कॉस्ट 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। वेबसाइट में सबसे पहले एक डोमेन होता है, जैसे आपकी कंपनी का नाम है ABC कंपनी तो आपका एक डोमेन होना चाहिए www.abc.com या www.abccompany.com, जो भी अवेलेबल हो, .com, .in, .co.in, .org, .net, सभी एक्सटेंशंस की अलग अलग मीनिंग होते हैं। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग या जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। डोमेन की कॉस्ट 500 से 1500 के बीच में होती है और प्रीमियम डोमेन की कॉस्ट हो सकता है लाख या करोड़ में भी होती है। इसलिए आप नॉर्मल डोमेन लेने की कोशिश करें, नॉर्मल डोमेन आपको इस रेंज में मिल जाएगा। सेकंड फैक्टर होता है, आपको एक होस्टिंग परचेज करनी है, होस्टिंग सर्वर जहां पर आपकी वेबसाइट अपलोड होती है। वेबसाइट अपलोड करने के लिए एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसको होस्टिंग कहते हैं और वह स्पेस आपका ऐसा होना चाहिए जहां पर आपकी बिजनेस प्रोफाइल वेबसाइट इजीली अपडेट हो सके, अपलोड हो सके। एक नॉर्मल जो होस्टिंग होती है वो 3000 to 4000 में मिल जाती है। और थर्ड पॉइंट होता है SSL। SSL वैसे ऑप्शनल होता है लेकिन लेना चाहिए, यह अलग अलग प्राइस में आपको मिलता है, 500 से स्टार्ट हो जाता है और यह 60,000 और 1,00,000 तक भी SSL का प्राइस होता है। यह डिपेंड करता है कि कितने लेयर की सिक्योरिटी के साथ आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है। अगर आपकी एक बिजनेस प्रोफाइल वेबसाइट है तो आपको सबसे बेसिक वाला चलेगा और अगर आपकी बैंकिंग वेबसाइट है तो आपको सबसे जो प्रीमियम वाला SSL है वह आपके बिजनेस के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि वेबसाइट डिजाइन। वेबसाइट डिजाइन की कॉस्ट कई फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कौन बना रहा है, ये मींस कौन डिजाइनर, कितना एक्सपीरियंस वाला डिजाइनर है, उसको कितनी नॉलेज है आपके बिजनेस के बारे में, वह कितना जानता है या फिर वह टेक्नोलॉजी से कितना अवेयर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके पास है या नहीं है, इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी वेबसाइट की कॉस्ट डिपेंड करती है। एक फ्रेशर या फिर एक एक्सपीरियंस बंदे की सैलरी सेम नहीं हो सकती, दोनों की सैलरी डिफरेंट होती है, दोनों वेबसाइट ही बना रहे होते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों के ऊपर भी वेबसाइट की कॉस्ट डिपेंड करती है। सेम प्रोसीजर जो है आपको कंपनी के लिए भी फॉलो करना पड़ेगा कि अगर कोई कंपनी एक्सपीरियंस कंपनी है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो हो सकता है वह आपसे ज़्यादा चार्ज करे और अगर कोई फ्रीलांसर है वह आपसे कम चार्ज करे। इसलिए इन सब चीज़ों के ऊपर ही वेबसाइट की कॉस्ट डिपेंड करती है। वेबसाइट का कोई फिक्स प्राइस नहीं होता। नॉर्मली 10 to 15,000 में आपकी एक बिजनेस प्रोफाइल इंटरेक्टिव वेबसाइट बन जाती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनल ई कॉमर्स वेबसाइट या CMS जॉब पोर्टल या मैट्रिमोनी चाहिए तो उसका कॉस्ट ज़्यादा आता है। आप कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उस वेबसाइट का, उसके प्रोडक्ट्स का गूगल के ऊपर प्रमोशन हो या सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोशन हो। गूगल के ऊपर आप देखते होंगे कि 3 तरह के सर्च रिजल्ट आपको दिखाई देते हैं, गूगल एड्स का होता है, गूगल मैप का होता है और एक सर्च इंजिन का होता है, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन का। आप सभी
भी तरीके से अपना वेबसाइट, अपनी जो कंपनी का प्रोफाइल है वह प्रमोट कर सकते हैं। सभी के अलग अलग प्राइसेस होते हैं, सभी के अलग अलग मेथड होते हैं, सभी के अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। आप जिस भी प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहते हैं आप उसको लेकर आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद आप सोशल मीडिया पर भी सेम प्रोसीजर होता है, सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर वहां पर अपने फॉलोअर और अपने लाइक्स बढ़ा सकते हैं। उसके बाद वहां अपनी टाइम टू टाइम आप प्रोफाइल पर क्रिएटिव और अपनी सर्विसेज पोस्ट कर सकते हैं। वहां पोस्ट करने के भी दो तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपकी जो प्रोफाइल है या जो आपका पोस्ट है वह बूस्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, कुछ अमाउंट देकर आपके प्रोफाइल को बूस्ट कर देते हैं और उससे आपको लीड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्रोसीजर, ये आप टेक्निक यूज करके अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, गूगल प्रमोशन करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर प्रमोशन करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रमोशन करना चाहते हैं, एक बार आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।